श्रीनगर पुझा निवासी नागेंद्र प्रसाद ने डीजीआई प्रणव कुमार प्रवीण के पास आवेदन देकर अपने ही पड़ोसी कमलेश्वर प्रसाद और अन्य पर रात्रि के 12 बजे घर जला देने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार द्वारा श्रीनगर थाना प्रभारी पर भी आरोप लगाया गया और कहा गया कि थाना प्रभारी द्वारा उन्हें धमकी दी गई और कहा गया कि उन्हें झूठे केस में जेल भेज दिया जाएगा। और अब तक पीड़ित की FIR भी दर्ज नहीं की गई है और न ही पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल रहा है। नाम नागेंद्र प्रसाद है, घर बगई बगमरपुर, वार्ड नंबर 2, यहाँ के निवासी हैं। और 21 तारीख के दिन हम अपने बहनियाँ गए थे, जिस दिन आए थे उस दिन बारिश पड़ रहा था। हम आकर उस घर में बैठे हुए थे तो इन लोग दोनों भाई फीता से नाप को बना रहे थे, नेव कांड खोल रहे थे। कौन दोनों भाई? वो शशिकांत और उमाकांत। तो हम गए, अपने भाई को बुला के ले आए, फिर यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगा, मतलब शाम हो गया था, काम रुक गया, बारिश पड़ रहा था। उसके बाद में उन्होंने चैलेंज किया जी, इस जुगी को हमने 24 घंटे में फूंक देंगे और आप लोग का माछी जैसे मसल देंगे। कौन कहा ये बात? ये कहा उमाकांत और उसके भाई। एक दिन और यहाँ पे झगड़ा हुआ था तो ट्रैक्टर से मेरे को जतवा के बोल रहा था कि तुम्हारे बीबी को 10 कट्ठा खेत दे के मना लेंगे। जो घर में हमारे 5-3 बच्चे और हम, हमारी पत्नी और राशन जो था लुगा कपड़ा जला है और 80,000 रुपया जला है, जो 32,000 मकई बेच कर रखे थे और 45,000 रुपया आवास का मिला। जब आग लगा तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग घर में सोए हुए थे। 22 तारीख को हम यही सारे यहाँ आवेदन दिए थे और 22 तारीख को रात में हमारा घर जला दिया गया। ज़मीनी विवाद था, वो लोग हमारे ज़मीन में नेव काट रहे थे और हम लोग मना किए। बोलो हम लोग 24 घंटा का मोहलत दिए, ये 24 घंटा के अंदर में घर नहीं हटाए तो हम लोग घर को जला देंगे। ठीक 12 बज के 7 मिनट पर हम लोग घर में आग लगा दिया गया राजेंद्र प्रसाद।